गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास. यस्टरडे वी हैव टू कम्प्लीट द चैप्टर नंबर 3, अ वॉक टू द रिवर. आई होप ऑल ऑफ यू हैव कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स एंड नोटबुक्स. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 4, ग्रैंड मास वेजिटेबल गार्डन. क्या है? ग्रैंड मा का सब्जियों का जो बाग है वो है, उसके बारे में बताया गया है. देखिए वहाँ उसमें क्या क्या है. वन डे ग्रैंड मा टेल्स आशा. वन डे माने एक दिन, ग्रैंड मा माने दादी, टेल्स आशा एक दिन दादी ने क्या हुआ, आशा से कहा प्लीज़ ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन. प्लीज़ कृपया, ब्रिंग माने लाना, सम माने कुछ, वेजिटेबल्स माने क्या, सब्जियाँ, फ्रॉम द गार्डन या गार्डन से, प्लीज़ कृपया कुछ सब्जियाँ गार्डन से ले आओ. ओके, प्लीज़ ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन. कृपया कुछ सब्जियाँ गार्डन से ले आओ. आशा टेक्स अ बिग बास्केट एंड गोज़ आउट. आशा ने क्या किया, बिग बास्केट यानी कि एक बड़ी टोकरी ली, एंड गोज़ आउट, और क्या हुआ, बाहर चली गई. आउट माने बाहर चली गई. शी ब्रिंग्स ग्रीन पीज एंड पर्पल ब्रिंजल्स. वो क्या क्या लाई, ब्रिंग माने वो क्या लाई, ग्रीन पीज माने हरी मटर, एंड पर्पल ब्रिंजल, और क्या था, पर्पल कलर का, ब्रिंजल माने बैगन. बैगन किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है. और पीज जो है, मटर कैसी होती है, वो हरी होती है, हरे रंग की होती है. तो शी ब्रिंग्स ग्रीन पीज एंड पर्पल ब्रिंजल. तो वो क्या क्या ले आई, ग्रीन पीज लाई, हरी मटर और पर्पल कलर का ब्रिंजल लेके आई. ग्रैंडमा सेज, दादी ने क्या कहा, थैंक यू. आशा जब कोई चीज़ लाता है तो थैंक यू बोलते हैं, तो दादी ने भी उससे कहा थैंक यू आशा, धन्यवाद. कैन यू प्लीज़ ब्रिंग सम कैरेट्स. दादी माँ ने उससे क्या पूछा, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग सम कैरेट्स. क्या, कैन माने क्या, तुम कृपया, सम कैरेट्स कुछ, कैरेट्स माने गाजर, क्या तुम कुछ गाजर भी ला सकती हो. वी कैन हैव सम हॉट सूप. हम क्या है, अगर तुम गाजर लाओगी तो हम उससे क्या बनाएंगे, थोड़ा हॉट सूप, गरम सूप बनाएंगे. आशा गोज़ आउट. आशा क्या हुआ, फिर से बाहर चली गई. शी लुक्स एवरीवेयर. उसने क्या हुआ, सब तरफ देखा कि कहाँ गाजर कहीं दिख जाए. शी कैन नॉट सी एनी कैरेट्स. उसने चारों तरफ देखा लेकिन क्या हुआ, उसे, शी कैन नॉट सी एनी कैरेट, एनी माने कोई भी, उसे क्या हुआ, कोई भी गाजर कहीं भी दिखाई नहीं दी. आशा गोज टू ग्रैंडमा. आशा क्या हुआ, वापस कहाँ गई, ग्रैंडमा दादी के पास गई. आशा गोज़ टू ग्रैंडमा. आशा वापस दादी के पास गई. शी सेज, उसने कहा आई कैन नॉट फाइंड एनी कैरेट्स इन द गार्डन. दादी, आई कैन नॉट फाइंड, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन आई कैन नॉट फाइंड, मुझे गार्डन में कोई भी गाजर कैरेट नहीं मिली. क्या हुआ, उसने दादी से क्या कहा, दादी मैंने बहुत देखी लेकिन मुझे गार्डन में कोई भी कैरेट नहीं दिखी. ग्रैंडमा सेस, तो दादी ने क्या कहा, देयर आर मैनी कैरेट प्लांट्स इन द गार्डन. दादी ने कहा देयर आर मैनी कैरेट प्लांट्स इन द गार्डन, लुक केयरफुली. लुक माने देखो, केयरफुली माने ध्यान से देखो, गार्डन में क्या हैं, बहुत सारे कैरेट के प्लांट्स हैं. देखिए फिर से एक बार. वन डे ग्रैंडमा टेल्स आशा प्लीज़ ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन. एक दिन दादी ने आशा से क्या कहा कि प्लीज़ ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन, कृपया कुछ वेजिटेबल्स गार्डन से ले आओ. आशा टेक्स अ बिग बास्केट एंड गोज आउट. आशा ने क्या हुआ, बिग बास्केट एक बड़ी टोकरी उठाई, एंड गोज आउट और कहाँ गई, बाहर गई. She brings green peas and purple brinjal. और वो वहाँ से क्या लाई, green peas, हरी मटर,
और बैंगन किस कलर का होता है? ब्रिंजल किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। तो वो वहाँ से हरी मटर और पर्पल ब्रिंजल ले आई। ग्रैंडमा ने उसे क्या कहा जब वो लेके आई? तो उसे थैंक यू बोला। कैन यू प्लीज़ ब्रिंग सम कैरेट्स? तो फिर दादी माँ ने उससे कहा, क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी कैरेट भी लेके आ सकती हो? वी कैन हैव सम हॉट सूप। हम क्या करेंगे? हम जो है गरम सूप बनाएंगे। आशा गोज आउट। आशा क्या हुआ? फिर से बाहर चली गई। शी लुक्स एवरीवेयर। उसने गार्डन में क्या करा? उसने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई तो गाजर का, कैरेट का प्लांट दिख जाए। तो शी लुक्स एवरीवेयर, उसने चारों तरफ देखा। शी कैन नॉट सी एनी कैरेट, लेकिन उसे क्या हुआ? कोई भी कैरेट का प्लांट नहीं दिखाई दिया। आशा गोज टू ग्रैंडमा। आशा क्या हुआ? जब उसने गार्डन में चारों तरफ बहुत अच्छे से देख लिया, तो आशा गोज टू ग्रैंडमा। आशा क्या हुआ? वापस ग्रैंडमा के पास आई। आई कैन नॉट फाइंड एनी कैरेट इन द गार्डन। दादी, मुझे गार्डन में एक भी कैरेट का प्लांट नहीं दिखाई दिया। ग्रैंडमा सेज, ग्रैंडमा ने कहा, देयर आर मैनी कैरेट प्लांट्स इन द गार्डन। लुक केयरफुली। केयरफुली माने ध्यान से, और लुक माने देखना। ध्यान से देखो कि देयर आर मैनी कैरेट प्लांट्स इन द गार्डन। गार्डन में बहुत सारे कैरेट के प्लांट्स हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो रेड दिस चैप्टर एट योर होम, एंड पढ़ेंगे सारे बच्चे घर पे आराम से इस चैप्टर को। उनके सब पढ़ेंगे कि कैसे दादी माँ ने उसको भेजा आशा को क्या क्या लेने के लिए, गार्डन से पर पीस ब्रिंजल, और फिर क्या लाने के लिए कहा, सम कैरेट्स भी लाने के लिए कहा, लेकिन आशा को गार्डन में कोई भी कैरेट का प्लांट नहीं दिखाई दिया। ओके, सब बच्चों को समझ आया है? रेड दिस चैप्टर एट योर होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।